हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस जो वोल्टेज को कभी बूस्ट करता है, कभी डाउन भी करता है, कभी अप करेगा, कभी डाउन करेगा। ओके, क्यों करता है, क्यों ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ा? देखो, अगर मेन एसी 220 वोल्ट सप्लाई तो पावर स्टेशन दे देता है, लेकिन हम लोग के घर में जो डिवाइस चलता है वो 220 वोल्ट से नहीं चलता है। तो किस वोल्टेज से चलता है? कभी कभी 3000 वोल्टेज की जरूरत पड़ता है, कभी 2000 वोल्टेज की भी जरूरत पड़ता है, और कभी बहुत ही कम लाइक 3.7 वोल्टेज मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर मेन एसी 220 वोल्ट सप्लाई देगा तो उस एसी से हम लोग 3000 वोल्टेज कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो बीच में एक डिवाइस कनेक्ट करना होगा। वो डिवाइस क्या करेगा, 220 वोल्ट को स्टेप अप कर देगा। कहां तक अप करेगा? डिवाइस के नीड तक। डिवाइस इस डिवाइस का जरूरत पड़ा 3000 वोल्ट, तो ट्रांसफार्मर 3000 वोल्ट से अप कर देगा, 3000 वोल्ट तक अप कर देगा। अगर किसी डिवाइस का 2000 वोल्ट जरूरत पड़ा तो क्या करेगा, अभी एसी 220 से 2000 वोल्ट तक भी अप कर देगा। ठीक है, तो बीच में क्या रहेगा, एक ट्रांसफार्मर रहेगा। फार्मर वो क्या करेगा, कभी 3000 वोल्ट पे अप कर देगा। अब देखो, अगर 220 वोल्ट से ऊपर तक अगर अप करेगा तो उस ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? स्टेप अप, क्योंकि वो वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, 220 वोल्ट से ऊपर की तरफ, उसको बोलेंगे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और कभी भी वो ट्रांसफार्मर नीचे की तरफ भी जाता है, लाइक 3.7 वोल्ट और 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, अगर 220 वोल्ट से नीचे जाएगा, लाइक 100 वोल्ट भी हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नीचे जाएगा तो क्या होगा, स्टेप डाउन, मतलब नीड की तरह से हम लोग इसको सेट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, अगर एक ब्लॉक डायग्राम ये हो गया, मेन एसी सप्लाई कहां जाएगा, ट्रांसफार्मर, फिर ठीक है, ट्रांसफार्मर दो पार्ट होता है, एक होता है स्टेप अप, दूसरा क्या होगा, स्टेप डाउन, कभी ऊपर की तरफ जाएगा, कभी नीचे की तरफ आएगा। अब यहां से क्या होगा, कनेक्ट टू डिवाइस, डिवाइस जिसको वोल्टेज की जरूरत पड़ा, मेन वोल्टेज, नीडेड वोल्टेज वी एन दे दिया हमने मोर देन 220 वोल्ट। ठीक है, अब स्टेप डाउन क्या होगा, कनेक्ट टू डिवाइस जिसका जरूरत पड़ा, नीड वोल्टेज इज कम 220 वोल्ट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको दे दिया हमने अप्रॉक्स 2000 वोल्ट और इसको दे दिया हमने लाइक 10 वोल्ट। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, तो हम लोग को पता चल गया ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बूस्ट करता है, कभी जरूरत पड़ा तो ऊपर की तरफ ले जाता है, कभी जरूरत पड़ा तो नीचे की तरफ, स्टेप अप और स्टेप डाउन जो हम लोग की जरूरत पड़ा। नाउ ये काम कैसे करेगा, क्या काम करता है पता चल गया, अब काम कैसे करेगा। सो ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ए टू सेट्स ऑफ कॉइल, तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, दो सेट ऑफ कॉइल रहेगा, लाइक यहां पे एक कॉइल दे दो, यहां पे और एक कॉइल रहेगा। ठीक है, दो कॉइल, बीच में थोड़ा गैप रहेगा, एक दूसरे को नहीं चला जाएगा, इंसुलेट रहेगा एक दूसरे बीच में। अब एक कॉइल का नाम है प्राइमरी,
और दूसरे का नाम है सेकेंडरी। अब इस कॉइल का नाम प्राइमरी और इस कॉइल का नाम सेकेंडरी क्यों है, और इसका नाम प्राइमरी क्यों नहीं इसका नाम सेकेंडरी क्यों नहीं? क्योंकि प्राइमरी के साथ जो मेन सप्लाई देता है हम लोग के घर में, मेन एसी, मेन एसी कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर मेन एसी इसके साथ कनेक्ट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा और दूसरे वाला सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। मेन सप्लाई किसके साथ कैसे कनेक्ट रहेगा उसकी उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफाइन करें, कौन प्राइमरी बनेगा कौन सेकेंडरी बनेगा, ठीक है। नाउ प्राइमरी कॉइल में कुछ टर्न रहेगा, इसको दे दिया एनपी नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में और एनएस नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल में, एक दो तीन चार, जस्ट एग्जाम्पल इसमें हो गया चार, एक दो तीन, इसको दे दिया हमने तीन, तो चार इसमें तीन, ठीक है। नाउ अब ट्रांसफार्मर काम कैसे करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काम क्या करता है पता चल गया लेकिन काम कैसे करेगा। देखो अगर मेन एसी यहां पे कनेक्ट कर दिया प्राइमरी कॉइल में तो क्या होगा, व्हेन एसी वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल, एसी वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल दिस प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन प्राइमरी कॉइल, तो यहां पे क्या होगा करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होता है तो क्या होता है कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है। तो मैग्नेट कहां जनरेट होगा, ऑन प्राइमरी सेक्शन में, ठीक है, एंड द फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। अब ये वाला जो फ्लक्स यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा प्राइमरी सेक्शन में वो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है, एंड द इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड ऑन सेकेंडरी कॉइल। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हो जाएगा तो उसकी वजह से यहां पे एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है फ्रॉम पैरेलल, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेटेड ऑन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, नोट बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरेटेड ऑन सेकेंडरी कॉइल। एंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑन डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न ऑन ए सेकेंडरी कॉइल। सो ईएमएफ कहां पे डिपेंड करता है, अगर इसका ईएमएफ दे दिया हमने सेकेंडरी ईएस, किसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रॉम फैराडे लॉ, एन एस डी फाई प्लस डी टी। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर जो काम करता है वो पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बेस करके काम करता है, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है हमने पहले स्टडी किया था, उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो कार्ड पे लिंक मिल जाएगा, पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला लेक्चर देख लो, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ उसकी वजह से फ्लक्स यहाँ पे लिंक हुआ, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन, और इसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में जनरेट हुआ। सो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू क्या आएगा, स्मॉल ई ए सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न डी फाई डी टी, ठीक है, एंड फाई विद द फ्लक्स ऑफ ईच टर्न ऑफ कोर। तो फाई क्या होगा नंबर ऑफ फ्लक्स ईच टर्न ऑन कोर, ठीक है। नाउ एन ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई इज ऑल्सो इंड्यूस एन ईएमएफ एंड इज कॉल्ड अ बैक ईएमएफ। अब यहां पे क्या होगा एक बैक ईएमएफ भी जनरेट होगा, इसकी वजह से क्या होगा यहां पे एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्या होगा एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई इज ऑल्सो इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड अ बैक ईएमएफ इन द प्राइमरी। तो बैक ईएमएफ कहां जनरेट होगा प्राइमरी सेक्शन में, तो उसका वैल्यू क्या होगा ई प्राइमरी माइनस नंबर ऑफ टर्न पैरेलल एनपी, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न है एनपी एंड डी फाई डी टी, ठीक है, क्लियर हो गया। पैरेलल से ये मिल गया और म्यूचुअल इंडक्टेंस से हम लोग ये वाला इक्वेशन डेवलप कर लिया। नाउ बहुत और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ईपी ईपी इज इक्वल टू वीपी, कैसे ना अभी ईपी को हम लोग इक्वल टू वीपी वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी इक्वल बोल देते हैं, क्यों,
If these were not so, the primary would be finite scenes. The primary has a zero resistance. Primary में हम लोग assume कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, एक zero resistance रहेगा. If secondary is open circuit, the current taken from is very small. So then it good approximation also. EP equal to VP and EAS equal to VS. देखो प्राइमरी में जो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगा वो प्राइमरी के वोल्टेज के साथ इक्वल हो जाएगा, एज्यूम कर लिया. और सेकेंडरी में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगा वो सेकेंडरी वोल्टेज के साथ इक्वल हो जाएगा एसी में, ठीक है. नाउ द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज आल्सो इक्वल. अब वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल क्या मिलेगा, बी एस. सो देखो यहाँ पे एन एस डी फाई डी टी माइनस, इसको हम लोग लिख दिया बी एस और इसको हम लोग लिख दिया VP, क्योंकि हम लोग ये वाला एज्यूम कर लिया. ओके सो देखो यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, अगर हम लोग VS और VP इन दोनों का हम लोग रेशियो ले लेते हैं, ठीक है. इस पोर्शन को इरेज कर देता हूं, अब जरूरत नहीं है इसका. सो सेकेंडरी वोल्टेज वी एस और रेशियो वी पी, ये अगर ले लेते तो क्या होगा, माइनस एन एस डी फाई डी टी बाय माइनस एन पी डी फाई डी टी, डी फाई डी टी कट जाएगा तो फाइनल बचेगा माइनस, माइनस भी कट जाएगा एन एस बाय एन पी. So, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल गया. देखो वोल्टेज का रेशियो, प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज का रेशियो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा इस वाले इक्वेशन में, नंबर ऑफ टर्न के ऊपर डिपेंड कर रहा. कितने नंबर ऑफ टर्न है इसमें, ये प्राइमरी कॉइल में एंड इस सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये. नाउ दिस रिलेशन इज अबव द ऑब्टेन यूजिंग जस्ट थ्री एजम्पशन. तो अब हम लोग थ्री एजम्पशन यूज कर देते हैं, क्या क्या होगा, प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट इज वेरी स्मॉल. तो पहला एजम्पशन क्या होगा इस को होल्ड करने के लिए, पहला एजम्पशन फर्स्ट एजम्पशन इज प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर वेरी स्मॉल. प्राइमरी में जो रेजिस्टेंस रहेगा एक टू एक वेयर है ना, इसका जो रेजिस्टेंस एंड करंट का जो वैल्यू वेरी स्मॉल. सो प्राइमरी रेजिस्टेंस and current are very small, ठीक है. Now second assumption क्या है, second assumption the same flux link both primary and secondary coil. क्या होगा, same flux link both primary and secondary coil. तो यहां पे देखो pi यहां पे लिंक हुआ और सेकेंडरी में भी फाइव, प्राइमरी में भी फाइव. सो सेम फ्लक्स लिंक विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल एंड ठीक है. थर्ड एजम्पशन, एजम्पशन नंबर थ्री. थर्ड एजम्पशन क्या लेंगे हम लोग, सेकेंडरी करंट इज वेरी स्मॉल. सेकेंडरी करंट इज स्मॉल. तो सेकेंडरी करंट क्या होगा, वो स्मॉल होगा, ठीक है. नाउ The transformer is assumed to 100% efficient. अब हम क्या ले लेते हैं, हम लोग लेंगे जो ट्रांसफार्मर है ना, ये वाला ट्रांसफार्मर जो हम लोग ड्रॉइंग किया है यहाँ पे, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर हम लोग ले लिया, ये 100% efficient है, पूरा 100% काम करेगा, ठीक है. So efficiency जो भी 100% हो जाए, जब अगर efficient 100% हो जाए तो लॉस क्या होता है, एनर्जी लॉस जीरो. So means 100% efficiency is equal to zero energy loss.
The power input is equal to power output. देखो क्या मिल गया हम लोगों को, तो हम लोग क्या लिया 100% efficient means क्या हुआ, input power is equal to output power means no energy loss. तो यहां पे कोई एनर्जी का वैल्यू डीके ही नहीं हुआ, पहले जो इनपुट में जो एनर्जी था अब आउटपुट में भी सेम ही एनर्जी रहेगा, ठीक है. सो पावर क्या रहेगा, ठीक है. सो पावर अब इनपुट पावर इज ऑल्सो इक्वल टू आउटपुट पावर. पावर का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग इसको ही रेस करते हैं. सो पावर का वैल्यू क्या आएगा, देखो यहां पे. सो पावर क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पावर इक्वल टू वी आई. सो आई ऑफ प्राइमरी मींस इनपुट एंड वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू आई ऑफ सेकेंडरी एंड वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी. सो आई पी वी पी इज इक्वल टू आई एस वी ए, ठीक है. अब वी ए एस बाई वी पी क्या मिला था, देखो रेशियो कर लेते हैं हम लोग. अगर आई पी ओवर आई एस दैट इज वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, ठीक है. सो इससे क्या मिला, देखो एक प्राइमरी और सेकेंडरी मिल जाएगा. सो वी एस is equal to NS over NP VP, ठीक है. एक कंक्लूशन क्या जाएंगे हम लोग यहां से, अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, तो क्या होगा, तो NS by NP जो रेशियो रहेगा ये ग्रेटर देन वन बन जाएगा, क्योंकि एनएस का वैल्यू क्या होता है, मोर देन एनपी, वन से ज्यादा. तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, प्लस वन, ग्रेटर देन वन बन जाएगा. सो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा. ये घटेगा ये बढ़ेगा, ये नीचे जा रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो वीएस भी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है. अगर इक्वल रेशियो को इक्वल रहने के लिए वीएस अगर ऊपर तक जाएगा तो वीपी नीचे आएगा. तो इस ट्रांसफार्मर का हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल में अगर यहां पे वीएस और प्राइमरी में अगर यहां पे वीपी, तो वीएस ज्यादा हो गया वीपी कम हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी ज्यादा है. आप ले लो, अज्यूम कर लो ऐसे बन गया पिक्चर. तो ये वाला क्या ट्रांसफार्मर बना, ये बन गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम ट्रांसफार्मर इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर. यहाँ पे जो वोल्टेज है, अज्यूम कर लो 220 वोल्टेज है, तो यहाँ पे मोर देन 220 होगा, अज्यूम कर लो 1000 वोल्टेज. तो ये क्या बन गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज बढ़ गया, अब करंट क्या होगा, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट का भी कुछ होना चाहिए. अब करंट क्या होगा, तो अज्यूम कर लो इस इक्वेशन से, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है अभी. अब देखो आई क्या होगा, आई एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस ऑफ आई पी, इस इक्वेशन से मिला ये. सो पहले क्या देखा था हमने, क्या एज्यूम किया था यहां पर, एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन एन पी, प्राइमरी से बहुत ज्यादा है. सो ये वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए तो ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा. कैसे, देखो
क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, न्यूमरेटर कम हो गया. सो एन पी बाई एन एस, एन एस बाई एन पी अगर ग्रेटर देन वन होगा तो एन पी बाई एन एस ये लेस देन वन होगा. सो क्या मिला, अगर देखो एन एस बाई एन पी इज ग्रेटर देन वन, सो एन पी बाई एन एस इज लेस देन वन, वन से कम होगा. अगर ये वन से कम हो जाएगा तो क्या मिलेगा, सो सेकेंडरी करेंट इज लेस देन प्राइमरी करंट. सो यहां पे क्या मिला था, सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, और यहां पे करंट क्या हो गया, सेकेंडरी करंट इज लेस देन प्राइमरी करंट. तो पावर अगर इक्वल रहेगा तो वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो करंट को कम होना पड़ेगा, तभी तो रेशियो इक्वल रहेगा ना. ठीक है, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पावर इक्वल है, आईपी वीपी आईएस बीएस ये बढ़ रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको घटना होगा, इसको ऊपर की तरफ जाने के लिए, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा. ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ अब अगर हम लोग प्राइमरी की तरफ जाएंगे, मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन गया, क्योंकि इनपुट में 220 था, आउटपुट में मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज कितना है 1000 वोल्ट. अब स्टेप डाउन क्या होगा, सिमिलरली उल्टा क्या बनेगा देखो. सो एन एस ओवर एन पी इज लेस देन वन, मतलब एन पी ज्यादा होगा सो वी एस क्या होगा, कम होगा. ठीक है, सो कम होगा तो क्या मिलेगा देखो. सो इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वी एस इज लेस देन वी पी, तो मतलब प्राइमरी में टर्न ज्यादा हो गया, सेकेंडरी में कम, तो ट्रांसफार्मर कैसा दिखेगा. तो अगर प्राइमरी और ये बन गया, ये हो गया सेकेंडरी, एसी मीन. क्लियर हो गया, ये बन गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और यह है स्टेप अप ट्रांसफार्मर. तो रेशियो क्या होगा, अब स्टेप डाउन अगर, सो पहले क्या बोला हमने, बोला है कि इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राइमरी टर्न इज ग्रेटर देन सेकेंडरी टर्न, सो एन पी बाई एन एस इज ग्रेटर देन वन फॉर केस ऑफ स्टेप डाउन. सो अगर प्राइमरी में ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ टर्न, तो आई एस का वैल्यू क्या होगा, तो आई एस इज ग्रेटर देन आई पी. तो क्या मिला यहां पे देखो, सो आई एस ज्यादा हो गया, अभी वी एस कम हो गया. सो इसको बैलेंस करने के लिए क्या मिला, मिलेगा देखो, सो बीपी ज्यादा आईपी कम. स्टेप डाउन में क्या मिलेगा, करंट ज्यादा होगा लेकिन वोल्टेज कम होगा, और प्राइमरी में क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा लेकिन करंट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कम होगा. ठीक है, क्लियर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है ट्रांसफार्मर. सो अगर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा, तो न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, पूरा चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट का. ठीक है, यहाँ पे हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे. नाउ इफ द सेकेंडरी कॉइल इज लेस नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी, वी हैव अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. सो अभी मिल गया हम लोग, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, लेस नंबर ऑफ टर्न देन प्राइमरी, सो दैट इज स्टेप डाउन. If secondary is more number of turns than primary, that is step up transformer. Now the equation obtained after the ideal transformer without any energy loss. ये क्या होगा? That is the ideal transformer. Universe में कुछ ideal नहीं होता, loss तो रहता है. लेकिन हम लोग एक calculation किया
कैसे किया? क्योंकि हम लोग लिया था एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, मतलब 100% एफिशिएंट जिसमें जीरो एनर्जी लॉस, ठीक है, बट एक्चुअल ट्रांसफार्मर स्मॉल एनर्जी लॉसेस ड्यू टू ऑकर फॉलिंग फेज। इन केस ऑफ एक्चुअल ट्रांसफार्मर क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, और किन किन फैक्टर पे एनर्जी लॉस होता है वो हम लोग थोड़ा भी स्टडी करते, ठीक है। उनके सब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर स्मॉल एनर्जी लॉस ड्यू टू स्मॉल एनर्जी लॉस ड्यू टू फर्स्ट क्या होगा? फ्लक्स लीकेज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एनर्जी लॉस इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर थ्योरी में तो हम लोग 100% एफिशिएंट ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 100% एफिशिएंट मिलता नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो एनर्जी लॉस पहले क्या होगा? फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज पहला। फ्लक्स लीकेज क्या है? सो देयर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज। तो क्या होगा यहां पे? अगर इक्वल नंबर ऑफ फ्लक्स नहीं रहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी में, कुछ लीकेज तो मिलेगा। दैट इज नॉट ऑल फ्लक्स ड्यू टू द प्राइमरी पासेस टू द सेकेंडरी ड्यू टू पोर डिजाइन ऑफ कोर और एयर गैप इन द कोर। इट कैन बी रिड्यूस द विंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल वन ओवर अदर। तो अच्छा डिजाइन नहीं हुआ, तो डिजाइन नहीं होने वजह से इसमें कुछ एयर गैप आ गया, यहाँ पे इंसुलेटिंग ठीक से नहीं हुआ, गैप ज्यादा हो गया, इसकी वजह से क्या होता है? फाई का जो वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक लॉस मिलता है, उसको बोलेंगे हम लोग फ्लक्स लीकेज। इसकी वजह से एनर्जी थोड़ा सा लॉस होता है, फ्लक्स लीकेज कर जाता है, क्योंकि फाई का वैल्यू प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम नहीं होता ड्यू टू पुअर डिजाइन। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ विंडिंग। रेजिस्टेंस ऑफ विंडिंग क्या होगा? पहले देखो इस विंडिंग में अगर वेयर है तो इसमें वेयर का कुछ रेजिस्टेंस ही होगा, जीरो रेजिस्टेंस का तो कुछ होता नहीं है। इनके सब प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल तो जीरो नहीं होता, थ्योरी में जीरो हो जाता है, इनके सब प्रैक्टिकल कुछ रेजिस्टेंस रहता है। अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या होगा? सो हीट एनर्जी लॉस। सो तो वेयर यूज द विंडिंग हैज सम रेजिस्टेंस, सो द एनर्जी लॉस ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस बाय द वेयर, दैट्स द आई स्क्वायर आर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। दिस आर मिनिमाइज बाय द यूजिंग द थिक वेयर। अगर इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे, उसके लिए हम लोग ये जो कॉइल बनेंगे ना, इसके जो वायर होगा, वायर का थिकनेस बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से जो एनर्जी लॉस होता है वो एनर्जी कम हो जाएगा, वो लॉस कम हो जाएगा, एनर्जी लॉस। सर एडी करंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडी करंट से जो होता है एडी करंट से कैसे लॉस होता है? ऑल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस द एडी करेंट फ्रॉम द आयरन कोर एंड कॉज द हीटिंग एंड द इफेक्ट रिड्यूसिंग द लैमिनेटेड कोर। तो एडी करंट की वजह से क्या होता है? हीट जनरेट होता है, उसको अगर लैमिनेट कर देंगे तो एडी करंट का जो वजह से जो लॉस होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आयरन कोर है ना। थर्ड क्या होता है? हिस्टेरिसिस। सॉरी फोर्थ, फाइनल, फोर्थ एंड फाइनल क्या लॉस होता है? हिस्टेरेसिस। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर रिपीटेडली रिवर्स एंड ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एसी करंट है और एसी वोल्टेज भी है, तो क्या होता है रिपीटेडली? क्या होता है? इसका डिरेक्शन चेंज होता है। अगर डिरेक्शन बार बार चेंज होता है, क्या रिपीटेडली रिवर्स द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। द रिजल्टिंग द एक्सपेंडिचर द एनर्जी ऑफ द कोर एपियर द हीट एंड कीप द मिनिमम यूजिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल
which has a low hysteresis loss. तो हमने ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसके हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम होगा, क्योंकि अगर इसका रिएक्शन वोल्टेज का रिएक्शन बार बार चेंज होगा तो फील्ड का भी रिएक्शन बार बार चेंज होगा, फ्लक्स का भी रिएक्शन चेंज होगा, उसकी वजह से क्या लॉस होता है. तो अगर हम लोग एक मैग्नेटिक मटेरियल जो चूज करेंगे वो अगर अच्छा होगा जिसका हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम है तो एनर्जी लॉस भी कम होगा ट्रांसफॉर्मर का. ठीक है, ओके. नाउ हैव कंक्लूशन. द लार्ज स्केल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस. अगर देख लो एक पावर घर में जो हम लोग का जो पावर सप्लाई आता है बहुत दूर से आता है, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर. सो द केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस सो लॉस आता है, लॉस जेनरेट हो जाता है. सो लॉन्ग डिस्टेंस लॉस जेनरेट होगा सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, वोल्टेज जो था 220 वोल्ट वो 220 वोल्ट नहीं रहेगा, डाउन नीचे की तरफ चला जाएगा, कम हो जाएगा 220 वोल्ट से. तो इसको रिकवर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डन यूज ऑफ ट्रांसफार्मर. जिसे रास्ते पे देखना कभी कभी एक दो किलोमीटर के बाद बाद कुछ ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है जो मेन सप्लाई का जो वोल्टेज डाउन हो जाता है वो थोड़ा बूस्ट कर देता है. कहां तक बूस्ट करेगा, 220 तक बूस्ट कर देगा. ठीक है, द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जेनरेटर इज स्टेप्ड अप सो द करंट इज रिड्यूस्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली सो आई स्क्वायर आर द लॉस इज कट डाउन. So it is then the transmitter over the long distance, and so the area of substation in the consumer substation pehla main station substation phir aata hai consumer hum log ke ghar mein. So there the low voltage is stepped down, is further the step down or distribution substation utility poles and power supply 220 reaches our home. To yahan pe kya hoga, beech mein transformer rahega, transformer kya karega usko balance kar dega 220 volt. Theek hai, तो ट्रांसफार्मर क्या है हमने पूरा स्टडी कर लिया, उसका थ्योरी क्लियर हो गया, इक्वेशन भी क्लियर हो गया. अगर कहीं पर भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा. ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं. कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेड बटन जो है उसको प्रेस कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और ये लेक्चर है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, थैंक यू.